जो लोग कहते हैं दुनिया में दुख बहुत है, दुख बनाए हो उतने ही तुमका मिला है, दुखों कुछ नहीं, ना यहाँ दुख है ना सुख है। यहाँ जो जितना अपना दुख सुख बनाना चाहे बना ले, भोग ले, खूब रोए धोए चिल्लाए। क्यों मोह करते हो? मोह करके फिर चिल्लाते क्यों हो? अपने मन को वहां से हटाते क्यों नहीं? अब मर जाओगे तो शरीर भी फूंक दिया जाएगा और मर के यहाँ से दफन होकर चले जाओगे, लौट के देखने नहीं आओगे कौन पोती पोता, कौन भतीजा भतीजी, कौन देवरानी जेठानी। अरे जिंदगी जब तक इनके लफड़े पचड़े झगड़े में कहाँ तक उलझ कर बर्बाद हो जाओगे? अरे जीते जी इनसे पिंड छुड़ा लो, सुखी रहो, मन हटा लो बवाल से। हाँ चिल्ला चोट मचा रखा फालतू। जो तुमको इनके साथ अच्छा करना है कर दो, बाकी बस मन को बाहर खींच लो, जैसे म्यान से तलवार खींच ली, से खींचो इसको बाहर करो। म्यान में घुसी हुई तलवार कपड़े को भी काटने में सक्षम नहीं है, और म्यान से निकाल लो बाहर तलवार को, सर कलम कर सकती है, जो काटो कट सकता है। तुम भी मोह माया की म्यान में घुसे हो, इसलिए तुम्हारी धार काम नहीं कर रही है। मोह माया की म्यान से निकल जाओ, तब देखो तुम्हारे ज्ञान की तलवार क्या कमाल करती है, सारे दुखों को काट के खत्म कर दो, बकवास खत्म, झंझट खत्म। चुनाव हार जाओगे तो भी दुख नहीं होगा, चुनाव हार गए तो रोने क्या जरूरत? कितने लोग चुनाव हार गए, हार्ट अटैक हो गए, मैं समझ गए पक्का मूर्ख है। अरे कोई तो हारेगा ही, ये तो पक्का है, जब चार लोग लड़ रहे हैं तो चलो तुम ही हार गए क्या फर्क, हारे को हरी मिले, जीता जमपुर जाए। और जो आज हारा है कल जीतेगा भी, और नहीं जीतेगा तो कौन लड्डू रखा चुनाव जीत कर? जो चुनाव जीत गए उनको शुगर हो गई, और जो चुनाव हार गए उनके शुगर फैक्ट्री लग गई, खाम खा लफड़े में फंसे। मेरे को तो कुछ इसमें लगता ही नहीं है। मेरे से एक विधायक कह रहे थे अब की बार आपको हम सांसद का चुनाव लड़ाएंगे, तो मैंने कहा तुम क्या लड़ाओगे, जब हम लड़ेंगे नहीं तो कैसे लड़ाओगे? बोले तो मनोनीत सांसद बनवा देंगे। अरे हमने कहा कि बने चाहे भाड़ में जाए, हमका ऐसे ही आनंद होता है, जिंदगी धन्य है। सांसद तो 5 साल के लिए होता है, हम तो परमानेंट है, कोई दुख नहीं। और सांसद बन भी जाए तो क्या है, बन जाए तो बन जाए, जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री, बन गए तो बन गए, लेकिन उसको कोई सुख थोड़ा मिला बनने से, दुनिया भर का चिल्ला चोट है उसमें, बहुत हैरानी है सर। पार्टी के लोग टांग खींचे रहते, जरस चूक जाए आदित्यनाथ तो गिराए दूसरे मुख्यमंत्री बन जाए पार्टी का। पार्टी गेहूं के अंदर घुन फैला है, आलू के अंदर कीड़ा, टमाटर भीतर कीड़ा, भिंडी के अंदर कीड़ा, ऐसे पार्टी के अंदर कीड़ा है, काट के हट जाए बस काम का, भारी टेंशन का काम। लेकिन होने दो टेंशन, आखिर कोई तो बनेगा ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, नहीं बनेगा तो देश कैसे चलेगा, कोई तो टेंशन लेगा ही, लेने दो टेंशन, ताली बजा दो, वाह वाह बहुत अच्छा हुआ। और तुम भी बन जाओ अगर मिनिस्टर तो बहुत बढ़िया है, और ना बनो तो उससे भी बढ़िया है, और जो हो वही रहो वो सबसे बढ़िया है। भक्ति करो, इसमें दुख किस बात का है, चिंता किस बात की भाई? अरे तुम तो हो ही। कितने लोग मैं देखता हूं, टिकट नहीं मिला तो हार्ट अटैक हो गया, मर गए जब तो उनकी पत्नी टिकट मिल गया, तो पत्नी एक तरफ खुश भी है टिकट मिला, पत्नी का टिकट और पति का टिकटी, टिकटी चले गए दोनों, टिकट टिकटी हो गए, दफन हो गए। पत्नी खीसे काढ़ते आई वाट मांगे, हमकिन पति तुम्हार चला गया, कहीं नहीं टिकट दईगा और टिकटी लईगा। फालतू दुनिया में कुछ भी खो जाए, पद खो जाए, धन खो जाए, टिकट मिले ना मिले कट जाए, चुनाव जीत जाओ हार जाओ, ना कोई अहंकार है और ना कोई हार का दुख है, हर हाल में खुशहाल रहना है।
ये जिंदगी जीने का तरीका सिखा। दुखी नहीं होना और सबसे प्रेम करो, कोई तुमसे प्रेम करे ना करे छोड़ो, तुम इस झंझट में भी मत पड़ो। अपनी पत्नी से भी प्रेम का व्यवहार करो, वो तुमसे कम प्रेम करे वो जाने उसका काम जाने। माता पिता से प्रेम करो, वे तुम्हारा ध्यान दे या ना दे तुम ध्यान दे दो। भाई बहन से भी प्रेम रखो, वो भले तुमको कम माने। कितने लोग कहते हमारी बहन हमको कम मानत है इसलिए हम जाते नहीं। अरे बिल्कुल मत माने तो भी चले जाओ, मानने क्या बात है उसमें, जाओ वहां पहुंच लो और जो देना है कुछ सामान दे दो, थोड़ा दक्षिणा दे दो बहन को। बस बहन को दक्षिणा दी जाती है, तुम अपना फर्ज निभाओ, मानने न मानने की बात छोड़ो, झंझट खत्म। इस चिंता में भी मत फंसना, सदैव खुश रहना और परिवार के सदस्यों की गम भी खा लेना। और जहां तक हो सके हर सदस्य की जिम्मेदारी है अपनी उस बुराई को दूर करो जिससे परिवार का संगठन टूटता है, अपनी उस आदत को छोड़ दीजिए जिससे परिवार की एकता भंग होती है, अपने उन अवगुणों को दूर कर दीजिए जिससे परिवार तंग होता है। और याद रखना जहां संगठन है, एकता है, शक्ति है, वहां हजार गुना आगे बढ़ा जा सकता है, उन्नति की जा सकती है। इसलिए परिवार में गम भी खाओ, अपनी कमी दूर भी करो, ऐसा नहीं कि विखंडन ही कर डालो सब, नहीं नहीं। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद महेश्वरी, प्रेम महेश्वरी, चार भाई आज भी एक में रहते हैं, चारों बहुएं साथ में, चार चक्कू 16 बच्चे भी साथ में, 400,000 विद्यार्थी उनके कोचिंग में पढ़ते हैं, 1.5 लाख रुपए फीस एक विद्यार्थी की लेते हैं। बहुत उन्नति किया, पूरे इंडिया में नाम भी कमाया है, दाम भी कमाया है और धन धाम भी बनाया है, संगठन भी रखो, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। लेकिन ये भी याद रखो अगर संगठन में सब विनाश होने वाला है तो बंटवारा कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है संगठन में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लंबा परिवार हो गया है, कोई जहर खा रहा है। मेरे पास एक भक्त का फोन आया कि हमारे यहाँ छोटी बहू जहर खाई से। अभी मैं किसी भक्त के घर गया था, सब घर भर रोज लगे बाराबंकी में। हमने कहा क्या हुआ, फोटो लाकर सामने धरा, बोला 21 साल का लड़का फांसी लगा के मर गई। बोले ये हम लटक गई पंख के पास। हमने कहा क्या हुआ, अरे बोले कहाँ तक प्रपंच सुनियो गुरुदेव आशीर्वाद दो, कोई फांसी वासी न लगावे। तो हम कहें सबका अलग अलग कर दो, मनमाना जिंदगी जी दो, दुष्टन के है फालतू मर्जी हुई। हाँ कितने लड़के इतने कम विवेक के हैं, वो कहते हैं अगर मोबाइल नहीं दोगे तो जहर खा लूंगा, माँ बाप डर के मोबाइल देते। याद रखना विद्यार्थी जीवन धन्य जीवन है, साधना का जीवन है, मोबाइल का जीवन नहीं है। विद्यार्थी जीवन शिक्षा का श्रृंगार का जीवन है, इसलिए विद्यार्थी को मोबाइल का फैशन का सम्मोह छोड़ देना चाहिए।